जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि और शुभ घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में। तो जानेंगे आज की वीडियो में, इसी के विषय में जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं चैत्र नवरात्रा की घट स्थापना के शुभ मुहूर्त और विशेष जानकारी। मित्रों, शास्त्रानुसार एक वर्ष में चार नवरात्र आते हैं। इनमें से दो मुख्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन महीने में और दो गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ महीने में आते हैं। मित्रों सद्गृहस्थों के लिए चैत्र और अश्विन की नवरात्रि श्रेष्ठ मानी जाती है। वह साधकों के लिए आषाढ़ और माघ के नवरात्रि साधना के लिए विशेष श्रेष्ठ माने जाते हैं। किसी भी नवरात्र का आचरण करने से पहले घट स्थापन का श्रेष्ठ एवं शुभ मुहूर्त को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए इस वर्ष चैत्र नवरात्रा में घट स्थापना का श्रेष्ठ मुहूर्त शुभ मिति चैत्र सुदी प्रतिपदा दिनांक 2 अप्रैल 2022 को सुबह 7:21 से 8:35 तक बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होने वाला है। मित्रों चैत्र नवरात्रा में नया व्यवसाय करना, नई वस्तु खरीदना, खाता बही का पूजन करना इत्यादि शुभ माना जाता है, क्योंकि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। यह नवरात्रा बसंत ऋतु में होने के कारण प्रकृति में भी अनेक बदलाव होते हैं। इसलिए यह नवरात्रा सद्गृहस्थों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। मित्रों इन नवरात्रों में घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ करने योग्य सर उपाय भी आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्हें करने से हम लाभ ले पाएंगे। अगर किसी गृहस्थ में पुत्र या पुत्री का विवाह न हो रहा हो तो निम्न प्रकार के उपाय हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, करने से आपको लाभ मिलेगा। नवरात्र के व्रत का आचरण करें। वह नौ दिवस तक भगवती को शहद, कनेर, पुष्प, गुगल अर्पण करें। अंतिम दिवस इन सब को इकट्ठा करके शमी यानी कि खेजड़ी के वृक्ष में डाल दें। ऐसा करने से भगवती की कृपा से शीघ्र विवाह हो जाता है। मित्रों जय श्री श्याम। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय माता दी। मित्रों आने वाले नूतन नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, जो हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जय श्री श्याम, जय माता।